नमस्कार, जय शर्म। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिषम वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच लाल किताब के एक ऐसे चमत्कारी व रामबाण उपाय को आप सभी के बीच बताने जा रहा हूँ, जिसका उपयोग बहुत सारे लोग करके शीघ्र ही उसके लाभ को प्राप्त किए हैं। और जिस वस्तु के द्वारा यह उपाय है वह आसानी से सबके घर में उपलब्ध भी हो जाता है। वह उपाय क्या है और किस चीज़ से यह उपाय करके व्यक्ति अपने जीवन के बहुत सी समस्याओं को समाप्त कर सकता है और खास करके आर्थिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज का जो वीडियो उपाय है वह गुण के द्वारा व्यक्ति के जीवन के मध्य परिवर्तन को लेके है। यही नहीं, गुण के उपाय के द्वारा आप अपने जीवन के आर्थिक पीड़ा, साथ में ग्रह पीड़ा और इसके साथ साथ अनेकों प्रकार के समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सुख समृद्धि और धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं और उन सबका उन उपाय के अनुरूप फल भी जो है शास्त्र में वर्णन किए गए हैं। जिस प्रकार का हम उपाय करेंगे निश्चय ही उसके अनुकूल ही हमें फल की प्राप्ति होगी। जैसे अगर गंगा जल लेने के लिए हम जाते हैं गंगा तट पे, जितना बड़ा पात्र हमारे पास होता है उतना ही जल हम भर पाते हैं, उससे अधिक भरने की चेष्टा करते हैं तो वह गिर जाता है। तो वैसे ही जिस प्रकार के शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, व्यक्ति उसको जिस विधि और जिस भाव के द्वारा करता है उसका उतना ही फल उसे प्राप्त हो पाता है। तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में गुण से संबंधी कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसको करने से ऐसा मानता है कि उन उपायों को करने से खास करके पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा, इसके गुण के उपाय के द्वारा व्यक्ति ग्रह से संबंधित दोष बाधा को दूर कर सकता है, संतान से संबंधित दोष बाधा को दूर कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि वह किस प्रकार से इस गुण का उपयोग करके जीवन में अनेकों प्रकार का बदलाव ला सकते हैं। गुण का इस्तेमाल जो है मीठे के रूप में किया जाता है, जो हर व्यंजन में एक अलग ही स्वाद देता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन को भी मिठास से भर सकता है यह गुण। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुण के कुछ उपाय करके व्यक्ति पैसों की तंगी से जो है छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ नौकरी बिजनेस में तरक्की प्राप्त कर सकता है और मान सम्मान की वृद्धि कर सकता है। तो आइए जानते हैं वह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुण के कौन कौन से उपाय करना आपके लिए लाभकारी होगा। प्रथम, सूर्य को मजबूत करने के लिए गुण का उपाय क्या है, सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए। कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो अपने दिन की शुरुआत रोजाना थोड़ा सा गुड़ खाकर और पानी पी करके अगर आप करते हैं तो इससे सूर्य की कमजोर स्थिति जो है ठीक होती है। इसके साथ साथ अगर सूर्य किसी पापग्रह से नीच अवस्था में बैठा हुआ है और उसके कारण संतान के सुख में या किसी शारीरिक पीड़ा में, बहुत सारे लोगों को सूर्य पीड़ित होने की वजह से स्किन से संबंधित समस्या देते हैं, नेत्र से संबंधित समस्या देते हैं, मस्तिष्क पीड़ा देते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में उन व्यक्तियों को रविवार के दिन लगातार 8 रविवार कम से कम 800 ग्राम गेहूं और 800 ग्राम गुड़ किसी मंदिर में रविवार के दिन अगर दान करता है लगातार 8 रविवार, तो इस उपाय के द्वारा उस व्यक्ति के कमजोर सूर्य जो है मन अनुकूल फल देने लगता है। यही नहीं, उसको स्किन से संबंधित और अनेकों प्रकार के संबंधित समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। दूसरा, पैसों की तंगी से छुटकारा पाने के लिए भी आप इस गुड़ के उपाय को आजमा सकते हैं। कैसे क्या करना है पैसों की तंगी को दूर करने के लिए, तो आर्थिक स्थिति से लगातार अगर आप कमजोर होते जा रहे हैं तो गुड़ का छोटा सा टुकड़ा पैसों की तंगी को दूर कर सकता है। इसके लिए गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लें और उसे लाल कपड़े में एक सिक्के के साथ बांध दें। इसके बाद उसे माँ लक्ष्मी की तस्वीर के समक्ष या माँ लक्ष्मी के फोटो के या मूर्ति के समक्ष उसे रख के उसकी विधिवत रोजाना पूजन करें और 5 दिन
या 7 दिन या 9 दिन पूजन पूर्ण करके उसे माँ दुर्गा की व लक्ष्मी की आराधना करने के बाद उस कपड़े को उठा लें और अपने अलमारी या तिजोरी या फिर जिस स्थान पे आप पैसे आदि रखते हैं उस स्थान पे उसे रख दें। ऐसा करने से खास करके पैसों की तंगी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि अगर कहीं पैसे अगर फंसे भी हो तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तीसरा, कर्ज मुक्ति के लिए भी आप इस गुण के प्रयोजन को अपना सकते हैं। तो किस प्रकार से करना है गुण का उपाय जिससे कर्ज से छुटकारा मिले? तो लगातार कर्ज के बोझ में अगर आप दबते जा रहे हैं तो आपको उससे बचने के लिए एक पीले कपड़े में 7 गांठ वाली हल्दी लेनी है और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रख लें और उसको अच्छे से बांध दें, गांठ लगा दें। इसके बाद उसे उस स्थान पर रख दें जिस स्थान पर आप पैसे रखते हैं। रखने के 21 दिन बाद उसे पीले कपड़े में बधा हुआ सारा जो सामान है उसे बहती हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय आपको जीवन में 2 से 3 बार करने से कभी आजीवन कर्ज जैसे बोझ से कभी नहीं दबेंगे। चौथा, धन धान्य की वृद्धि के लिए गुड़ का किस प्रकार से इस्तेमाल करें? तो माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य सुख समृद्धि चाहने वाले व्यक्ति गुरुवार के दिन गाय को चने के दाल, भिगोया हुआ चने के दाल के साथ गाय को अगर गुड़ खिलाता है एक सीमित समय पे, उसके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अनुकंपा के द्वारा, कुबेर देवता के अनुकंपा के द्वारा उसके जीवन में निरंतर धन की वृद्धि होती रहती है। वह कभी पीछे नहीं बढ़ता है धन के मामले में, सदैव धन के लेकर जो है आगे वृद्धि करता है। दूसरा, नौकरी में पदोन्नति के लिए गुड़ का किस प्रकार से हमें उपयोग करना चाहिए? अगर नौकरी में समस्या हो तो इस गुड़ का किस प्रकार से हमें लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो नई, अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी लगने के बाद बार बार नौकरियां छूट जा रही है, या आप असफल हो रहे हैं बार बार, या फिर मौजूदा नौकरी में पदोन्नति आपको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में आपको रोजाना पहली रोटी गाय के लिए निकाल लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके उसे रोजाना खिलाएं। ऐसा करने से कुछ दिन ही बाद आपको अपने नौकरी स्थान से अच्छा संदेश प्राप्त हो जाएगा। यही नहीं, अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आपको शीघ्र ही नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा, विवाह में अगर अड़चन आ रहा हो तो क्या करना चाहिए? गुड़ का किस प्रकार से प्रयोजन करना चाहिए? तो विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो गुड़ का इस्तेमाल करके आप शीघ्र ही विवाह का संयोग बना सकते हैं। तो किस प्रकार से? इसके लिए आपको हर गुरुवार को, यानी कि लगातार 7 गुरुवार को आटे की लोई में थोड़ा सा गुड़ और घी और हल्दी डाल करके गाय को खिलाना है। करना क्या है, आटे की लोई लेना, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ा सा घी डालना है और थोड़ा सा हल्दी डालना है, उस लोई को पैक करके और उसे गाय को खिलाना है गुरुवार में। बस इस बात का ध्यान रहे, यह उपाय एक सीमित समय पे करें। गुरुवार को आप अगर 10 बजे कर रहे हैं तो पूरे 7 गुरुवार उस उपाय को जो है 10 बजे ही करने का प्रयास करें। अगर यह उपाय करते हैं तो शीघ्र ही विवाह का संयोग बन जाएगा। दूसरा, अगर किसी को अत्यधिक क्रोध आता हो, बात बात उसे क्रोध आ जाता है, तो उसको अपने क्रोध को दूर करने के लिए गुण का किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए? तो जिस व्यक्ति को निरंतर क्रोध अत्यधिक आता हो, चिड़चिड़ापन हमेशा मन में रहता हो, तो ऐसे परिस्थिति में मंगलवार के दिन उसे 125 ग्राम गुड़ और भुना हुआ चना हनुमान जी को भोग लगाकर मंगलवार के दिन गरीबों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही उसका क्रोध जो है शांत हो जाता है और वह शांत प्रवृत्ति का हो जाता है। यही नहीं, इस उपाय के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में जो हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहता है वह समाप्त हो जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।